कौन गिरा? अच्छा well, मेरे ख्याल से मैं हमेशा वेलनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देती आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह से एक कैटलिस्ट के तरह ही सही, बट मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हेल्थ और वेलनेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. एंड दैट्स वाई आई थिंक आई एम ऑन दिस वॉ फुटिंग टू मेक श्योर दैट आई मेक यूज़ ऑफ ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वट एवर पावर आई हैव टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टन अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेलनेस. तो हाँ, तो ये मैं बिलीव तो ज़रूर करती हूँ. तो अवार्ड्स लाइक दिस इज वे यू नो देर रियली इनकरेजिंग फॉर पीपल लाइक अस हु आर इन द वेलनेस बिजनेस. तो या एक मिनट द स्टार ऑफ टाइम लगा है लव ऑफ यू आई नो आई नो मैं भी जा रही हूँ. मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आई रियली थिंक दैट यू नो वोटिंग डोंट डू इट एज अ ड्यूटी, इट इज़ योर राइट एंड यू हैव टू एक्सरसाइज दैट राइट एंड यू हैव द पावर टू वॉइस योर माइंड एंड टू वॉइस व्हाट यू फील इन दैट बैलेट. सो यू शुड लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी. तो प्लीज़ जाके वोट करिए, और मैं तो इनकरेज करूँगी वोटिंग. What's my wellness mantra? स्वस्थ रहो, मस्त रहो. Well, I have gone in that direction, but you will soon get to know about it. इसका खुलासा मैं करूँगी बहुत जल्द, और उसके लिए एक अलग दिन मैं चुनूँगी. आज है इनका दिन, तो इनको हम सेलिब्रेट करते
What's up? Hi. Sparko? मैं Sparko कितना फॉलो करता हूँ. I think relaxation life में बहुत important है. I think we are living in a time where we get stressed about a lot of things. There's a lot of information going into our systems. So I think relaxing is very important. I think taking vacations with family is very important. तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन लेना पसंद करता हूँ. And I like to go to destinations which are relaxing. And हम सबको साथ में वक्त मिल सके. You can rejuvenate, you can think again, you can spend time with yourself. And so I think relaxation is very important, and therefore for me spas are important. I'm also into fitness, and I think it's very important to, as much as you go to the gym aur aap jitni mehnat karte ho apni body banane mein, utni aapko dhyan dena chahiye apni body ko recover karne mein. So I believe in recovery a lot, so I think it's very important. Sir, congratulations for producing this crazy reaction. Thank you. You know that Prabhas also commented me, you're better than Vijay's version. No, I spoke to Prabhas, and he was very kind. Actually, him and me share a hairstylist. Alim मेरे भी बाल बनाते हैं और उनके भी बनाते हैं. And वो उनके साथ ही थे तो कबीर सिंह के ट्रेलर की बात चल रही थी तो he called and wanted to speak to me, and he was very very kind. I was very overwhelmed because you know he is such a big star, and he is you know Mahendra Bahubali for us forever and always. So it was really cool to hear such nice words. Hello. What's up? Good. So So no, it was very nice to get such encouraging words because you know ये हिंदी ऑडियंस शायद इतना ज़्यादा नहीं जानती है, लेकिन ये फिल्म जब तेलुगु में बनी थी अर्जुन रेड्डी तो ये बहुत आइकॉनिक फिल्म थी. और जिस तरह का प्यार इस फिल्म को मिला है, बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं. ऐसे कुछ फिल्में मेरी भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि यार ये फिर से नहीं बननी चाहिए. यू नो यू शुडंट टच समथिंग दैट सो गुड. एंड मुझसे भी शायद अगर कोई कहे टू डू सम ऑफ माई परफॉर्मेंसेज आई माई नॉट बी एबल टू डू इट अगैन. बट ऑनेस्टली द सेम फिल्म मेकर वॉन्टेड टू मेक इट, एंड मुझे रोल बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे ऐसा लगा कि यू नो यूजली लोगों ने मुझे हमेशा थोड़े एजी कैरेक्टर्स में पसंद किया है, लेकिन वो फिल्में जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैवी होती हैं. तो यू नो वो जो उनका जो एक मेन स्ट्रीम अपील होता है वो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज उड़ता पंजाब जैसी फिल्म का सब्जेक्ट मैटर इतना डार्क है. आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेप के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो थोड़ी हार्ड उसका सब्जेक्ट था, तो वो सब लोगों तक आप नहीं पहुंचा सकते. हैदर जैसी फिल्म है वो यू नो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल फिल्म है, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस करने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन शायद मास ऑडियंस तक वो कितना पहुँचती है, यू नो वी नो दैट इट डजंट डू दोज काइंड ऑफ नंबर्स. तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर मुझे लगा कि ये बहुत ही अपीलिंग फिल्म है आम आदमी के लिए, बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कैरेक्टर बहुत एजी था. परफॉर्म करने के लिए कुछ बहुत अलग करने का मौका मिल रहा था, सो आई जस्ट कुडंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी. यू नो अदरवाइज आई थिंक जो विजय देवेकोंडा ने परफॉर्मेंस किया है अर्जुन रेड्डी का, यू नो ही विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल, एंड आई फील ही वॉज स्पेक्टेक्युलर इन द फिल्म. मैंने पहले भी कहा है कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी शायद कजन्स हैं, लेकिन दे नॉट द सेम पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ओरिजिनल. एंड यू नो वी ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्जुन रेड्डी एंड एवरी थिंग इन द फिल्म, एंड द फिल्म मेकर इज द सेम. संदीप वांगा इज यू नो इज जस्ट वन फिल्म ओल्ड, एंड ही मेड इज फर्स्ट फिल्म एंड एवरीबडी जस्ट वेंट बर्सर्क अबाउट इट. एंड सो वी ट्राइड टू रिटेन एवरी थिंग दैट इज इन द ओरिजिनल, बट वी ट्राइड टू ऑल्सो ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ न्यू इन टू द फिल्म, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रीडिस्कवर the journey of the character, because we have shifted the fact that he is now from Delhi and Mumbai and his name is Kabir Singh. So we've changed the backdrop, and therefore his family has changed, his upbringing has changed, but the essence and the fundamental energy of the character we've tried to retain it. So I'm very excited, and it's out on the 21st of June, and very overwhelmed with the reactions honestly. मुझे बहुत अजीब टाइप के रिएक्शन आ रहे थे कि दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू सी यू डू, तो लाइक ओ आई गेस आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग बिफोर दिस बिकॉज़ पीपल हैव लाइक दिस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट. हाँ आई थिंक मे में आएगा. यू नो कई बार ये डिस्कशन आई थिंक द लेडीज आर वेटिंग. हाँ यू वांट टू कम जॉइन. थैंक यू. थैंक यू. हाई हाउ आर यू? सो नाइस. Thank you so much for being here. Absolutely, it's my pleasure to be here. I'll join you in 2 minutes. Yes, please. Yeah. Carry on. Yeah. 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 Y
trailer will be out in May. Actually, we had discussed the fact that Priti, why don't you finish? I'll go back. Doesn't look nice. So basically, we were thinking of whether we should put out a teaser or not, because usually 2.5 months pehle aap kuch dal rahe ho marketing ke liye, wo aajkal hota nahi hai. But when we saw the teaser, we were all very happy with it, and so we just said let's go and put it out. So the right time for the trailer will obviously be 5 weeks before the release of the film. So I think around the second week of May, the trailer will come out, and then the film will be out about a month after that. Yeah, even I saw a poster of Mental Hai Kya, and it's had the same release date. I think our teaser had come out a couple of weeks before that. So yeah, I guess they're also releasing, so all the best to them. Man, you know, if a film is good, regardless of anything, people come to watch it. And if a film is not good, even if it has a solo release, doesn't do well. You know, the last 1 year, we've seen that happen with so many films. You know, we've already said that we're coming on that date, so the ball was always in the, you know, the other film's court. But, you know, all the best to them, man. Ji. Kaun se do groups hain? Just disclaimer before you ask me this question, मैं 12 दिन की छुट्टी पे था, तो exactly पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ है मुझे मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, तो I'll answer your question if I know what's going on. I'm guessing I don't know exactly what's going on. क्या हो गया ये groups का तो मुझे पता ही नहीं है. कुछ groups का issue हुआ? Those are individual choices. As a citizen of this country, you have to decide who you want to vote for. So I don't think that has to do with whether it's a part of the film industry or not. I think that's exactly what voting actually is, which is going out there and deciding who you believe and who you want to vote for. So there's nothing wrong with that. So how was it working with Chucha? Chucha,
worked with before also. He's a brother. He's someone who I'm in touch with very, very often. And उन दोनों की chemistry बहुत ही अच्छी है, धमाल है उन दोनों की chemistry. बहुत अच्छा था. हमने चंडीगढ़ में काफ़ी शूट किया है और बहुत मस्ती वाला एक्सपीरियंस था. ऑफकोर्स दिलजीत इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई थिंक वॉट रियली अमेज मी इज दैट यू नो वी हैड नॉट रियली मेट बिफोर सो मच एंड व्हेन वी डिड आवर फर्स्ट सीन टुगेदर इन यू नो ऑन सेट उस सीन में ना डायलॉग नहीं थे. वो एक सॉन्ग का जैसे स्टार्टिंग का मॉन्टाज होता है वैसा था एंड केमिस्ट्री उसमें भी दिख गई थी क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन था. कुछ प्लान नहीं था. सो आई थिंक व्हेन यू हैव अ ब्रिलियंट एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू एंड द केमिस्ट्री गेट्स यू नो सेट फ्रॉम द फर्स्ट सीन आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी इन द फिल्म एट ऑल एंड देन यू जस्ट हैव टू हैव फन. दैट्स व्हाट वी डिड. सो हाउ डिफरेंट इज योर कैरेक्टर फ्रॉम योर comedy full on. I think I love comedy. I think it's very difficult to make people laugh firstly and it's very important also with the kind of stress that we all have in our lives in general when the audience goes into a theater and you can manage to make them laugh and forget all their stress. There's nothing better than that and I'm glad I'm getting the opportunity back to back to do it in different avatars, in different kind of you know characters. So here you'll see me play a crank journalist who's serious about her profession but in a comic environment and thoda punjabi flavor hai, thoda firozpur ka flavor hai, thoda sa baat karne ke tareeke mein punjabi lehja hoga. Yeah, thank you.